हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाले वाली भिंडी। सादी भिंडी खा के जब आप बोर हो जाइए तो इस तरह से भिंडी को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। भिंडी मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को धो लिया है अच्छे से, इनको पोंछ लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आप देख सकते हो इतने बड़े टुकड़े होने चाहिए। इसके साथ ही मैंने दो मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, तीन हरी मिर्च ली है, छः से सात लहसुन की कलियों को मैंने कद्दूकस किया है, आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस किया है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। इसके साथ ही मैंने एक टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। अब इन सब के साथ ही हमें कुछ सूखे मसाले भी लगेंगे। मसाले में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच धनिया का पाउडर लिया है मैंने। आप नमक ज़्यादा कम अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो। एक चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर और चुटकी भर हींग लेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना मसाला भिंडी बनाना। मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। मैं जो है खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। आप चाहो तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग के साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज, एक मिनट तक प्याज को भूनेंगे। हमारा फ्लेम जो है वो लो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे करेंगे इसको हम पकाएंगे। सरसों का तेल मैंने इसमें तीन से चार चम्मच लिया है, थोड़ा ज्यादा लिया है। अब हम इसमें अपने लहसुन और अदरक को डाल देंगे। साथ ही में हम अपने मिर्ची को भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से पकाएंगे जब तक प्याज जो है ब्राउन नहीं हो जाता और हमारा लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी को डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी को पकाएंगे। टमाटर के साथ ही हम लोग इसमें हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर, सारे सूखे मसाले भी डाल देंगे और अपना गरम मसाला सब कुछ डाल के इसको मिक्स करेंगे। अगर ये आपका पकड़ने लगे नीचे मसाला तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो और धीमी आंच पे इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से भूनिएगा जिससे कि मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना भिंडी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है, तेल हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें अपने भिंडी को ऐड करेंगे। भिंडी के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो प्याज और टमाटर इन सब की क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हो, आपको जैसा पसंद हो। ये मैं आधे किलो भिंडी का बना रही हूँ। अब मसाले के संग भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने भिंडी को जो है वो खोल के पकाएंगे। इस दो से तीन मिनट के बाद भिंडी को ढक के मत पकाइएगा, इससे हमारी भिंडी पक रही है। बीच बीच में भिंडी को चलाते रहिएगा वरना ये नीचे से पकड़ लेगी। अगर आपकी भिंडी पकड़ने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो।
बहुत ही धीमी हल्के हाथों से इसको चलाइएगा वरना ये टूट जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अम्मी से भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अम्मी सा सुपर टेस्टी मसाला भिंडी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।